रहमतुल्ला, उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने ब्लॉग जो अपर लेक का ब्लॉग मैंने डाला है, तो उसमें आप लोगों ने देखा कि क्या क्या सीन हो गया वहाँ पे। तो अभी जो है हम लोग आए हैं इसके दूसरी साइड से। तो यहाँ से एक पुल है, बहुत बड़ा पुल है, तो वो भी राजा भोज के नाम से ही है। तो मैं आपको दिखाऊँगा। बाकी है मेरे भाई बंधु है पीछे पीछे चल रहे हैं, तो भी आप यहाँ से देख लेना पूरा। आज मैं पूरा ही डालूँगा ब्लॉग, क्योंकि ये मेमोरीज जो है याद रहती है बाद में। पहले तो आप यहाँ से देख लीजिए हम लोग कहाँ थे और कहाँ पे आ गए। वहाँ थे ना हम उस जगह पे उधर से, तो अभी हम यहाँ पे आ गए। जिसको हिंदी पढ़नी आती है तो वो हिंदी पढ़ेगा, और जिसको नहीं आती है तो उसको मैं आगे दिखाऊँगा कि नाम क्या रखा है इस पुल का। तो बहुत सॉलिड है ये, मस्त नज़ारे और ठंडी ठंडी हवाएं जो हैं वो बहुत ही सॉलिड आ रही है। जो है पसीना है इतना बहुत ज़्यादा आ रखा है, पूछो मत यार। ये जो टी शर्ट है ये चिपक रही है मेरे जिस्म के साथ, तो अभी मन कर रहा है कि सीधे डुबकी लगा दो इसमें, लेकिन क्या करें, नहीं लगा सकते हैं ना। ये एक मतलब इतना गहरा होगा, ऊपर से अगर मैं डूब गया तो मैं मर जाऊँगा, मेरी ब्लॉग चैनल कौन चलाएगा फिर। तो इसलिए अभी मर रहा नहीं है, तो अल्लाह ताला से दुआ करना कि मेरी उम्र जो है थोड़ी सी और बढ़ जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है, उम्र जो है होती है वो अल्लाह ताला ने पहले ही डिसाइड करके रखी होती है। तो अभी वो सब छोड़ो, वो आप लोगों को पता है, तो आप लोग देखो इसका नाम क्या है। इंग्लिश में भी देखो राजा भोज सिख रखा है यहाँ पे, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन राजा भोज जो मैंने आपको जिसका पुतला जो है पिछले ब्लॉग में दिखाया है, तो आज के ब्लॉग में इसका आगे का पार्ट है। तो अभी जाएंगे हम आगे, देखते हैं कितना मज़ा होगा। पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कुछ पता नहीं है ना इस चीज़ का, तो अभी देखते कैसा लगेगा। इसके किनारे जो है हमें नहीं दिख रहे, सीरियसली बहुत ही बड़ा है, बहुत बड़ा लेक है। मैंने सोचा था जैसे कि आप लोगों ने लोअर लेक का जो ब्लॉग है वो भी देखा है, वो उतना इतना बड़ा तो नहीं है। ऊपर से उसमें और इसमें सबसे बड़ी फ़र्क तो ये है कि यहाँ पे गंदगी जो है इसमें कोई भी नहीं डाल सकता, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है। तो ये और ये फ़र्क है इन दोनों में। यहाँ से जो है ये इसकी पार्क शुरू होती है शुरू, और यहाँ सबसे बड़ा कुछ पेड़ है, तो मुझे नहीं पता क्या नाम है इस पेड़ का। आई एम सॉरी यार, अरे हाय हाय कितना मस्त नज़ारा है, इतना कूल कूल मौसम है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पेड़ है तो इनकी वजह से जो है माहौल है बहुत ही सॉलिड हो रखा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे। तो अभी मैं दिखाता हूँ यहाँ से भी आपको व्यू किस तरह का आता है यहाँ पे। यहाँ पे भी एक जो है हमें एक पुतला मिला, लेकिन पता ही नहीं है किस चीज़ किस इंसान का है, क्योंकि ये हिंदी में पूरा लिखा हुआ आता है, तो हमें पता ही नहीं है क्या है हिंदी में लिखा। अभी इस साइड से देख लीजिए व्यूइंग एंगल, वो बहुत ही सॉलिड है, सॉलिड बहुत ही सॉलिड। जहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ पे अगर साइड में इस तरह का सीन होगा ना, तो मां कसम बहुत ही मज़ा आता है। तो मुझे तो पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा। बाकी यहाँ के लोग जो है वो तो यहाँ पे आते ही रहते होंगे, तो उनको कुछ खास मज़ा तो आता ही नहीं होगा ना यहाँ पर। अभी रोज़ रोज़ जो एक ही चीज़ जो है वो फिर पकाती है इंसान को, लेकिन मुझे तो बहुत मज़ा आया यहाँ पे। हाँ इस तरह का कुछ नज़ारा है यहाँ। हाय 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 हाय, हवाएं जो आ रही हैं वो जैसी बदन को छूती है ना, इतना सुकून मिल रहा है कि पूछो मत। हमारे गांव के जो बहुत सारे लौंडे थे जो यहाँ पे पढ़ते थे, तो अभी क्या है कि उनको अगर ये ब्लॉग मिलेगा तो वो कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि उनको याद आता है ये चीज़ कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे जो है उन्होंने हमें यहाँ पे भेजा है पढ़ने के लिए, बोला कि वहाँ पे जो है आप लोग पढ़ोगे। अभी जो है ये दीवार कूदनी है, लेकिन मैं कैसे कूदूँगा। ये तो लोचा है बे, रडोगी से फोन। अभी यहाँ से कूदना पड़ेगा, लेकिन मैं कूदूंगा नहीं, मेरे पास एक ट्रिक है।
बार कूदनी है जो थोड़ी सी मुश्किल ही होती है। अभी यहाँ से भी आपको दिखाता चलूँगा ऊपर ऊपर से। यहाँ पे जो है बोट्स जो हैं बोट्स वो लगी हुई है, तो इनमें आप लोग अगर यहाँ पे कोई आएगा तो यहाँ से इनमें जो है सफ़र कर सकता है। जो है हम मेन एंट्री गेट पे पहुंचने वाले हैं, पता नहीं यहाँ से शायद टिकट लेनी पड़ती है, उसके बाद ही अंदर जाने देंगे। तो पहले देखते हैं, अगर टिकट होगी तो उनसे भी बात करते हैं। यहाँ से जो है मेन एंट्री गेट है इस चीज़ का, तो आगे मैं आपको दिखाऊंगा कितना बड़ा है ये, बहुत ही सॉलिड है। यहाँ पे एक पार्क है वो भी देखो आप। लोग जो है काफ़ी तादाद में है यहाँ पे, लेकिन जो यहाँ पे जो टाइम है लोगों का, जब लोग ज़्यादा आते हैं तो वो शाम का टाइम होता है, लेकिन अभी हम लोग जल्दी आए क्योंकि उसके बाद लेट हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट भी आ रखे हैं यहाँ पे, तो आते ही रहते हैं यहाँ पे क्योंकि जगह ही इतनी मस्त है, तो जाहिर सी बात है आते ही रहेंगे। अभी हम लोग थक भी गए हैं बहुत ज़्यादा क्योंकि यहाँ से पैदल ही चलना पड़ता है इसके इर्द गिर्द, तो अभी थोड़ा सा आगे जाएंगे तो उसके बाद हम लोग वापस जाएंगे। तो अभी हम गोला ट्राई करते हैं बर्फ का, इसमें बहुत सारी ये जो है फ्लेवर इसमें डाले हैं। ठीक है, लेकिन कुछ अजीब है इसमें डला हुआ, पता नहीं क्या है।